हेलो आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक नए मेथड के बारे में सीखेंगे इसमें हम ये सीखेंगे कि हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं तो इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार हैं कि इसमें हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं इसके बाद हम ये देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस किस टाइप की होती हैं और इस टॉपिक के सबसे लास्ट में हम होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे तो चलिए हम अपना पहला कांसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम होमोजिनियस फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे पिछले टॉपिक में आपने वेरिएबल सेपरेशन मेथड के बारे में सीखा तो अब आपको अपनी स्क्रीन पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही होगी तो अब आप इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए यानी की कि आप इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए और फिर इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक मिनट टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई किया होगा लेकिन आप में से काफी स्टूडेंट्स ने यह नोटिस किया होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते means, हम इस टाइप की डिफरेंशियल को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते और इसे सॉल्व क्यों नहीं कर सकते क्योंकि यह वेरिएबल सेपरेबल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बेसिकली ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है अब हम मोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सीखेंगे लेकिन इससे पहले ये सीख लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं तो जो होमोजीनियस फंक्शन होते हैं वे मल्टीप्लीकेटिव स्केलिंग बिहेवियर को शो करते हैं यानी कि यदि हम किसी फंक्शन के वेरिएबल में लेमडा का मल्टीप्लाई करें जहां लेमडा नॉन जीरो नंबर है एंड यदि हमें आउटपुट में या फिर उस फंक्शन की जो वैल्यू है वह लेमडा की किसी पावर से मल्टीप्लाई हो जाए तो इस कंडीशन में जो फंक्शन होता है वह होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है अब फंक्शन की वैल्यू में जो लेमडा की पावर हमें मिलेगी वही पावर होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कहलाती है इसे हम एक एग्जाम्पल एक से समझ सकते हैं माना हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर और हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं जैसा कि हमने सीखा था कि हम इसके वेरिएबल्स को एक नंबर लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि हम इस इक्वेशन में एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस करेंगे एंड y को लेमडा y से रिप्लेस करेंगे तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा अब जब हम इस फंक्शन के राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे अब आप यह देख सकते हो कि यह हमें वापस से फंक्शन की वैल्यू मिल चुकी है तो यहां आपने देखा कि जब हमने वेरिएबल्स को लेमडा से मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन की वैल्यू लैमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गई दैट स यह एक होमोजेनियस फंक्शन है अब यदि हम इसकी डिग्री की बात करें तो सिंस जो फंक्शन की वैल्यू है वह लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुई है तो हम कहेंगे कि जो ये टू है वही इसकी डिग्री होगी अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें एक्स एंड वाई में एक फंक्शन गिवन है विच इज साइन वाई अपॉन एक्स अब हम चेक करते हैं कि क्या यह भी एक होमोजीनियस फंक्शन है तो इसमें भी हम y एंड x दोनों में लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा फंक्शन हो जाएगा साइन अपॉन लेमडा x। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी गेट साइन y अपॉन x। अब यहां हम देख सकते हैं कि साइन y अपॉन x का कोफिशियंट वन है इसे हम लेमडा की पावर जीरो लिख सकते हैं तो अब यदि हम इस आंसर को फंक्शन से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि हमें फंक्शन एज मिल चुका है और उसके साथ की पावर मल्टीप्लाई में है मींस यह भी एक होमोजीनियस फंक्शन होगा अब यदि हम इसके डिग्री की बात करें तो सिंस लेमडा की पावर जीरो है इसलिए इसकी डिग्री भी जीरो होगी अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें एक्स एंड वाई में एक फंक्शन गिवन है cos x sin y. अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है तो इस फंक्शन को आप खुद से चेक कीजिए सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक टू मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा तो चलिए अब इसे डिस्कस करते हैं हम इसमें वेरिएबल एंड को से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा अब आप इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि हम इसमें से लेमडा को बाहर नहीं ले सकते कि को कॉमन नहीं ले सकते कि हम इस फंक्शन को लेमडा की पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते दीन्स जो ये फंक्शन है वह फंक्शन नहीं है अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं अब होमोजीनियस फंक्शन को चेक करने का एक और मेथड है लेकिन वो तभी एप्लीकेबल है जबकि जो फंक्शन है वह एल्जेब्रिक हो तो यदि कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन जिसमें कि प्रत्येक टर्म की जो डिग्री है वो सेम हो तो वह एल्जेब्रिक फंक्शन मोजीनियस फंक्शन कहलाता है फॉर एग्जाम्पल हम यह देख सकते हैं कि एक फंक्शन है हम एंड वाई स्क्वायर की डिग्री भी टू है दीन्स दोनों की डिग्री सेम है इसलिए यह होमोजीनियस फंक्शन होगा अब यदि हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें फंक्शन गिवन है X, square square हम यह देख सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है उसकी डिग्री टू है क्योंकि जो ए स्क्वायर है वह एक कॉन्स्टेंट नंबर है तो उसकी डिग्री हम काउंट नहीं करते एंड वाई स्क्वायर की डिग्री भी टू है तो इसलिए यह भी एक होमोजेनियस फंक्शन है अब यदि हम एक और एग्जांपल की बात करें इसके राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि इसकी डिग्री थ्री है एंड इसकी डिग्री टू है That means, यहाँ यहां टर्म की डिग्री सेम नहीं है इसलिए यह एलियशन फंक्शन नहीं होगा अब को चेक करने का एक और अल्टरनेट है, उसे हम समझते हैं माना हमें एक फंक्शन गेवन है एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन में से एक्स क्यूब कॉमन देन वी गेट एक्स क्यूब इंटू वन प्लस अपॉन एक्स क्यूब एंड हम इस फंक्शन के राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है वह हमें एक्स की पावर एन इंटू फंक्शन जी ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में मिल चुका है तो कोई भी फंक्शन यदि हमें इस फॉर्म में मिले तो वह होमोजीनियस फंक्शन होगा लेकिन आप में से काफी स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन आ रहा होगा कि क्या यह जरूरी है कि जो फंक्शन है वह की ही फॉर्म में मिले? नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। यदि हमें फंक्शन एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में भी मिलेगा तो भी वह होमोजीनियस हो सकता है वो कैसे इसी फंक्शन में से वाई क्यूब कॉमन लें तो यह फंक्शन कुछ इस तरह का दिखेगा जिसे हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं यानी कि हमने इस फंक्शन को लिख एन है। तो इसलिए ये एक फंक्शन है तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि हम किसी फंक्शन एफ को जो कि एक्स एंड वाई में एक फंक्शन है उसे या तो एक्स की पावर एन इंटू फंक्शन जी ऑफ वाई अपॉन एक्स या फिर वाई टू पावर एन इंटू फंक्शन एच ऑफ एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वह होमोजीनियस फंक्शन होता है और ये जो एक्स या वाई की पावर होती है वही उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होती है अब यदि हम वापस से अपने फंक्शन में देखें और उसकी डिग्री फाइंड करें तो हम यह देख सकते हैं यहां हमने एक्स क्यूब कॉमन लिया था या फिर वाई क्यूब कॉमन लिया था इसलिए इसकी डिग्री थ्री होगी अब हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं माना एक फंक्शन ऐसा है कि एफ ऑफ इक्वल टू फाइव स्क्वायर प्लस अब यदि हम इस फंक्शन में से एक्स लें तो यह फंक्शन कुछ इस तरह का दिखेगा यह फंक्शन अब हमें x टू द पावर n फंक्शन जी ऑफ अपॉन एक्स की फॉर्म में मिल चुका है अब यदि हम इस फंक्शन में से वाई स्क्वायर कॉमन ले तो यह इस तरह का देखेगा एंड जो अब हमें फॉर्म मिली है वह वाई टू दावर एन इन टू फंक्शन एच ऑफ एक्स अपॉन वाई की फॉर्म की है तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह है फंक्शन भी होमोजीनियस फंक्शन होगा अब यदि इसके डिग्री की बात करें तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही केसेज में चाहे वो एक्स की पावर ली हो या फिर वाई की पावर ली हो उन दोनों में ही पावर टू है इसलिए इसकी डिग्री टू होगी तो अब यदि हम एक और एग्जाम्पल देखें जिसके बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि यह है एक होमोजीनियस फंक्शन है तो हम इसे इस मेथड से भी चेक करते हैं इसके लिए हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं x टू पावर जीरो इन टू साइन वाई अपॉन एक्स अब हम देख सकते हैं कि यह है जो फंक्शन है वह इस फॉर्म में आ चुका है दीन्स यह भी एक होमोजीनियस फंक्शन है अब सिंस इसमें x टू द पावर जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसकी डिग्री जीरो होगी तो अब मुझे उम्मीद है कि अब किसी भी फंक्शन के लिए यह आसानी से चेक कर सकते हैं कि वह फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं